गाइज, अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट है और आप IPPV मोबाइल बैंकिंग एप्स के अंदर लॉगिन करना चाहते हो, अभी के टाइम पे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो इस वजह से कि आपका सिम वेरिफिकेशन फेल्ड हो जा रहा है, इसलिए आप लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये जो सिम वेरिफिकेशन फेल्ड होने की प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो मेरे भाई, अभी हाल ही में IPPV ऐप के अंदर एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट ये है कि जब आप IPPV ऐप को ओपन करोगे ना और लॉगिन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब सबसे पहले आपको सिम वेरिफिकेशन करना होगा। जब सिम वेरिफिकेशन आप कर दोगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा जहां पर आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आपका लगाना होता है। सबसे पहले आपको सिम वेरिफिकेशन करना होता है। अगर आप सिम वेरिफिकेशन करने में सक्षम हो जाते हो तो आप ना आगे बढ़ सकते हैं और इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अगर सिम वेरिफिकेशन में ही आप फेल्ड हो गए तो आगे का प्रोसेस कैसे करोगे, इस वीडियो में ना आपको 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको सोल्यूशन बता दूंगा, इसका सोल्यूशन है क्या और ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है और किन लोगों को आ रही है, सारी चीजें ना इस वीडियो में A to Z प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, पहले तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा अपने फोन की स्क्रीन पर ले जाके किस तरीके से लॉगिन करना होता है और क्या अपडेट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगा और फिर मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आ क्यों रही है और क्या इसका सोल्यूशन है। चैनल पर नए हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो जल्दी हम 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज हेल्प करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको लेके आ चुका हूँ अपने फोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं IPPV ऐप को ओपन करने से पहले आपको ले चलता हूँ गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में आपको भी जाना है इसी तरीके से। यहाँ पे आपको सर्च करना है IPPV, ठीक है। इतना सर्च कर देंगे तो आपके सामने ऐप आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आप देख लीजिए कि अपडेट तो नहीं आ रखा है। हमारा जो लास्ट अपडेट है वो June 8 हमें मिल गया था, जो कि हमने अपडेट किया हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से अपडेट देख लेंगे, अगर अपडेट आ रखा है तो अपडेट कर लीजिए, वरना तो अगर अपडेट नहीं आ रखा है तो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, तो यहाँ से अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद फिर से आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी तो अलाउ कर देंगे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन नाउ का ऑप्शन मिलेगा तो लॉगिन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही तो अलाउ करेंगे। अब देखो यहाँ पर ना वेरीफाई मोबाइल नंबर, आपके ही मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाता है कि आपका ये मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करोगे, यही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए IPPV में, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने स्टेप लिख रखे हैं, स्टेप मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर IPPV अकाउंट, ठीक है। स्विच ऑन योर मोबाइल डेटा ड्यूरिंग टू वेरीफिकेशन, यानी आपके मोबाइल में डेटा भी होना चाहिए और रिचार्ज भी होना चाहिए, सिम वेरिफिकेशन तभी आपका हो पाएगा। SMS का भी रिचार्ज होना चाहिए और नेट का भी रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिम अगर आपके फ़ोन में एक रहेगा तो स्लॉट 1 आ जाएगा, 2 रहेगा तो स्लॉट दोनों आ जाएगा, यानी जोन से मैं आपका सिम लगा हुआ है, जो अकाउंट में लिंक है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन आपको मिलेगा, अब इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो अब आपसे SMS की परमिशन मांगी जा रही। इसको बहुत सारे लोग जो है ना डू नॉट अलाउ कर देते हैं, जिससे कि आपको मैसेज नहीं आ पाता है। यहाँ पर आप इसको भी अलाउ करेंगे। अलाउ कर देने के बाद वेरीफाइंग मोबाइल नंबर, SMS सेंडिंग फ्रॉम योर मोबाइल बैंकिंग, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ना SMS आया बैंक की तरफ से, और जिसमें कि हमारा सिम वेरिफिकेशन एक ही क्लिक में हो चुका है। ये देखो, ये बैंक की तरफ से मैसेज आता है, जिसमें कि ये मैसेज ये था 1552 99, ये मैसेज था, लेकिन ये मैसेज ऑटोमेटिकली उठा लेता है भाई, ऑटोमेटिकली, हमें कुछ भी नहीं करना होता है। अब हमें तो रजिस्टर करने के लिए ना, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर सिर्फ अकाउंट नंबर लगाना है और कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ लगाना है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए मोबाइल नंबर यहाँ पर आया है, क्योंकि सिम वेरिफिकेशन हमारा पहले ही हो चुका है, तो ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अकाउंट नंबर लगाते हैं, कस्टमर आईडी लगाते हैं और डेट ऑफ बर्थ, तो हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चलो मैं आपको ये भी लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी लगा लेते हो ना, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ना यहाँ पे कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले आपको उसका एयर लगा लेना है। जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2004 हम 4 पहले लगा लिया, अब अगस्त महीना मिल रहा तो अगस्त पर क्लिक कर देंगे, हमारा
मंथ जो है वो जनवरी है, तो 1 जनवरी यहाँ पे हो चुका है, 1 जनवरी 2004, ये एक ही क्लिक में हो गया। अब यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखना यहाँ पर ना न्यू एम पिन बनाने का ऑप्शन हमें मिल गया। न्यू एम पिन आपका तभी बनाया जाता है जब आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो, और ये एम पिन जो है ना आपसे पूछा जाता है जब आप इसके अंदर लॉग इन करोगे। क्योंकि ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी एम पिन बना लेते हैं 4 अंकों का। ठीक है, पिन बना लिया। अब यहाँ पर सेट एम पिन पे क्लिक कर दे। अब गाइस आपने इसका प्रोसेस तो देख लिया किस तरीके से हमने आईपीपी ऐप के अंदर लॉगिन किया और सिम वेरिफिकेशन किस तरीके से किया, यानी एक ही क्लिक में हमने इसके अंदर वेरिफिकेशन कर लिया। कुछ भी दिक्कत नहीं आई, ना ही हमारा वेरिफिकेशन फेल्ड हुआ। लॉगिन करने जा रहे थे तो पूरा लॉगिन हम कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी दिक्कत हमें नहीं आ रही है। अब अगर हमें दिक्कत नहीं आ रही है तो आप लोगों को क्यों आ रही है? आप लोगों को इसलिए दिक्कत आ रही है कि आपको इसका प्रोसेस पता ही नहीं कि इसका सॉल्यूशन है क्या, यानी ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आ क्यों रही है, जिनको आ रही है, और जिनके साथ नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। जैसे कि मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, शुरुआत में आई थी मुझे भी दिक्कत, लेकिन जब मुझे इसका सॉल्यूशन का पता चला तो मुझे ना उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, आप ना सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए। उनकी सेटिंग में आप जाएंगे, अबाउट सेक्शन में जाइए, और वहाँ पे जाके आप अपने फ़ोन का वर्ज़न चेक कीजिए कि आपके फ़ोन में वर्ज़न कौन सा रन कर रहा है। यानी अगर आपके पास 4G फ़ोन है, और 4G फ़ोन आपके पास बहुत ओल्ड फ़ोन है, जैसे कि वीवो का पहले आता था Y55, Y53, या कोई छोटा मोटा मॉडल जैसे J2 हो गया, J7 हो गया, इस तरह के अगर मॉडल्स आपके पास हैं फ़ोन अभी भी, उनके अंदर जो वर्ज़न होता है वो 9 वर्ज़न से कम वर्ज़न होता है। वर्ज़न 8 हो, वर्ज़न 7 हो, 5 हो, इतना वर्ज़न आपको उन फ़ोन के अंदर मिलेगा। और जिन फ़ोन के अंदर 9 वर्ज़न से कम का वर्ज़न रन कर रहा है तो उन फ़ोन में आईपीपी ऐप काम नहीं करेगा, ना ही तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। अगर गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल भी जाता है तो आप उसके अंदर वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। समझ गए? थोड़ा सा और आसान आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद अपने फ़ोन का वर्ज़न चेक करें। अगर आपके फ़ोन का वर्ज़न जो है वो 9 से ऊपर है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, कोई सा भी वर्ज़न है, आपके फ़ोन के अंदर आईपीपी ऐप डाउनलोड भी होगा गूगल प्ले स्टोर से, और आप उसके अंदर वेरिफिकेशन भी कर पाएंगे। अगर वेरिफिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम आती है, आपका वर्ज़न 9 से ऊपर का है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आईपीपीबी के कस्टमर केयर नंबर पे बात करेंगे। आईपीपी का जो कस्टमर केयर नंबर है वो 1552999 है। इस नंबर पे आप बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम रखेंगे और अपनी प्रॉब्लम आप उनको बताएंगे कि मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, सिम वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको बोलेंगे कि अपने फ़ोन का वर्ज़न चेक कीजिए। जब आप अपने फ़ोन का वर्ज़न चेक करोगे तो बता दीजिए कि मेरे फ़ोन का वर्ज़न इतना है और मैं फिर भी लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। देखो वो आपका सॉल्यूशन करा देंगे और 101% करा देंगे। मुझे भी शुरुआत में इसी तरीके से दिक्कत आ रही थी, फिर जब मुझे कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिला, बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, नहीं सॉल्यूशन मिला, तो मैंने कस्टमर केयर में सीधा कॉल लगाया। उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया कि सबसे पहले आप अपने फ़ोन का वर्ज़न चेक कीजिए। वर्ज़न चेक किया, फिर उन्होंने कहा मेरे फ़ोन के अंदर वर्ज़न जो है वो 14 काम कर रहा है, यानी वर्ज़न 14, तो उन्होंने कहा कि आप आईपीपी ऐप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लिया मैंने, और उसके बाद जब मैं सिम वेरिफिकेशन करने गया तो यहाँ पर मेरा अपडेट हो गया, और सिम वेरिफिकेशन होने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैं इसके अंदर कभी भी जब चाहे लॉग आउट कर सकता हूँ, जब चाहे लॉग इन कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत अभी के टाइम पे मुझे नहीं आती है। अब अगर आपको इस वीडियो से सॉल्यूशन मिला हो, जो तरीका मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो करना चाहते हो, तो आप ये काम ज़रूर से करें, आप तभी लॉग इन कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो से वाकई में ही आपको कोई सीख मिली हो और इस वीडियो से आपका सॉल्यूशन निकल गया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।